नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। करंट अफेयर के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद, लगभग 10 साल के बाद, अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और कल जो है पहले फेज की पहली पोलिंग होने जा रही है। लेकिन अगर समुदायों की बात की जाए तो एक समुदाय आज भी ऐसा है जो इंतजार कर रहा है कि कब उसकी घर वापसी होगी। 30-35 वर्ष हो चुके हैं और 30-35 वर्षों के बाद भी आज भी उन्हें इंतजार है अपने घर वापस लौटने का। बहुत सी सरकारें आई और बहुत सी सरकारों ने वादे तो किए लेकिन उन वादों को आज भी वो पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन अब इलेक्शन के बाद एक बार फिर से उनके अंदर घर वापसी की जो है जिज्ञासा जागी है। तो क्या ये घर वापसी हो पाएगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अशोक एहमा, जो वाइस चांसलर हैं जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के और साथ ही साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। जी नीतू जी, यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू जी, धन्यवाद आपका। तो आपने जो बड़ा आज इम्पोर्टेंट इशू रेज किया कि हमारी कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का जो 35 साल वर्ष में जो इनकी क्या एक्सपीरियंस रही है, मैं आपसे बताऊं, ये घर वापसी की बात जो ये हमारी 7th एग्जोडस है। हिस्टोरिकली आप देखें तो पहली दफ़ा नहीं है। तो ये जो हमारी कम्युनिटी से जो प्रॉब्लम्स रही हैं तो पहले से चली आ रही हैं, पर इन 35 वर्षों में जैसे आप खुद इंडिकेट कर रही थी, सरकारें आई सरकारें गई, तो एम्प्टी प्रॉमिसेस रहे हैं बाय लार्ज। अभी देखिए 6000 पोस्टें पीएम पैकेज में थी, अभी भी उसमें 3000 के, अब देखिए कितने इतने वर्षों में अभी पूरी नहीं है। 5000 फ्लैट्स की बात आप कर रहे थे तो उसमें भी अभी 2500 के करीब करीब आए हैं, उसमें भी अभी 2500 है। सीधे स्प्रेड अप स्पैन, जो लोग वापस जाना चाहते हों वो तो 35 वर्ष का डिले इटसेल्फ इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग आर्ग्यूमेंट। अब बताइए कि ये जो कम्युनिटी एज अ होल देख रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, अभी प्रेजेंट यूटी गवर्नमेंट की तरफ, इसमें 2-3 इंडिकेटर्स हैं। एक ये कि जो पीछे हमारे पंचायत इलेक्शंस हुई और DDC इलेक्शन हुए, उसमें जो कश्मीरी पंडितों खुद आके उन्होंने कश्मीर वैली में, खास करके एक लेडी मैंने देखी है, वहाँ से भी 2-3 लोग आए हैं। एक कॉन्फिडेंस का एनवायरनमेंट अभी बन रहा है, पर ये कॉन्फिडेंस क्या, इज इट गोइंग टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एश्योरेंस कि नहीं आप वापस जाएँ तो फिर कम्युनिटी वैसे ही हालातों में वहाँ सेटल हो। मुझे लगता दैट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोजेक्ट, पर इमिजिएटली जो ये है कि व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ये जो पार्टिसिपेशन हमारे करीब करीब 60,000 कश्मीरी पंडित वोट्स हैं, 58,000 का, उनके लिए व्यवस्था बननी चाहिए कि वो जहाँ देखिए इस विस्थापन के बाद लोग तो सारे इंडिया में बिखर गए, बट दैट्स नॉट डिनाई देम द राइट टू वोट। यहाँ पे काफ़ी देर एम फॉर्म पे बड़ा चक्कर चलता रहा, वो ब्यूरोक्रेटिक टैंगल्स में रहा, अब मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी वो इम्प्रूवमेंट आई है। बट द पॉइंट इज दैट ये एक मॉरल कमिटमेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि जितने भी हमारे एलिजिबल वोटर्स हैं वो वोट दे पाएँ, चाहे वो बेंगलोर में हो, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे वैली में हो। ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है दैट विल ब्रिंग ए लार्जर पार्टिसिपेशन इनटू द इलेक्टोरल प्रोसेस। ये इस करके आपको वो एक देखना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो वहाँ पे जो वातावरण है इस इलेक्शन में, उनके लिए क्या एजेंडा है। अभी आज मैं रिटर्न देख रहेंगे, सब न्यूज़पेपर्स में आया था रिटर्न ऑफ कश्मीर आया था एक, उसमें पीएम के जो आज पेपर्स में आए थे, पर उसमें कब होगा कैसे होगा उसको कोई मैकेनिज्म नहीं है तो वो थोड़ा सा इल्यूसिव लगता है। सर, जिस तरह से बात की जाए, बहुत सी सरकारें आई, बहुत से वादे भी हुए, आश्वासन भी दिया गया कि आपकी घर वापसी होगी, लेकिन अगर बात की जाए धारा 370 की, उसके खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदलाव देखा, स्पेशली अगर कश्मीरी कम्युनिटी की बात की जाए तो इनमें क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने को नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है धारा 370 और 35 से वॉज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल गिमिक जी,
इससे एक ऑन ग्राउंड, आज भी मैं पिछले हफ्ते में श्रीनगर में था, वहाँ पर ऐसा कोई कंसर्न मैंने देखा नहीं, लोग वाह वेला करें जी 370 लग गया। ये एक पॉलिटिकल टूल था जिसके वो जो लोकल यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे वुड ऑलमोस्ट ब्लैकमेल द सेंट्रल गवर्नमेंट, भैया हाथ लगाओगे तो यहाँ पे आपको याद ही होगा, कहा जी यहाँ कोई झंडे को कंधा देने वाला नहीं होगा, या यहाँ पे जो है लड़के ऐसे थोड़ी ये गन उठाए हुए हैं। पर आई थिंक वो थोड़ा सा वो डिमिस्टिफाई हो रहा है, क्योंकि ये जो पुलटा आप देखिए इम्प्रूवमेंट क्या है कि जो पिछले जनरल इलेक्शन से अभी जो इलेक्शन हुए पुराने जनरल इलेक्शन, वो है 10% इंक्रीज इन द वोटिंग ऑफ द वोटर्स, तो उससे जो जनरल कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गई है। आई डोंट थिंक देर इज अ फियर ऑफ गन इन जनरल, बट स्पेसिफिकली अभी देखिए हमारे यहाँ काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कश्मीर पंडित एक जगह तीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, कहीं पे दो हैं, कहीं पे तीन हैं, और वो घूम रहे हैं आजकल, पर ये तो उनके एक पर्सनल कंटैक्ट की वजह से है। मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त जो स्ट्रेंथन करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक डेफिनेट प्लान देना चाहिए, जैसे आपको कहा मैंने कि एम्प्लॉयमेंट पैकेज अभी भी कितने सालों से कंप्लीट नहीं हो रहा है, एंड ये इमेजिन ये करिए दिस ऑल मनी इज कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट शोज देयर इज लैक ऑफ विलिंगनेस फ्रॉम द लोकल जो यहाँ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं कि वो फैसिलिटेट करें इन को, क्योंकि अगर देखिए 6000 फैमिली जाएंगी, 6000 से अगर तीन मानिए हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे हैं, गिव इट ए मल्टीपल मींस 24,000, जब 24,000 लोग वहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम में काम करेंगे, इट इम्प्रूव्स द यू नो सोशल इंटरेक्शन, इट इम्प्रूव्स द काइंड ऑफ, नहीं तो ये फिर एक सस्पेंस, वो जो सस्पेंशन रहता है, अलग सेंस ऑफ फियर रहता है, सेंस ऑफ सिलेक्टिव किलिंग रहती है। इस करके मुझे लगता है फर्स्ट एंड फर्स्ट इस जो नई गवर्नमेंट आए दे शुड इमीडिएटली फास्ट ट्रैक द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड कंप्लीशन ऑफ दिस दिस जो रिमेनिंग 50% इतने सालों में अभी नहीं बने हैं, ये आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज रहेंगे। दूसरा ये जो है कि जैसे यहाँ पे आपने रिजर्वेशन दे रखी है, आप कह रहे हैं जी एक वो इलेक्टेड वो करेंगे जी, टू नॉमिनीज वन मेल वन फीमेल, आई थिंक ये वो तो कॉस्मेटिक है। व्हाट आई वुड सजेस्ट, देखिए ये आपको इस संदर्भ में देखना पड़ेगा कि कश्मीर पंडितों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है आज से नहीं पिछले 1500 साल से, दैट हैज इम्पैक्टेड द इंडियन सिविलाइजेशनल एथॉस, कल्चर, हिस्ट्री, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, आप लालदत्त देख लीजिए वहाँ से, तो वो द कंट्रीब्यूशन हैज़ टू बी सीन, देयरफॉर दैट मच ऑफ प्रोमिनेंस शुड बी गिवन टू द कम्युनिटी। आप देखिए जहाँ भी ये गए हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट ही किया है, तो उसको शायद वो कभी आज तक कोई अप्रिशिएट नहीं किया अगर द कंट्रीब्यूशन स्पेशली इन द एजुकेशन फील्ड, हेल्थ, इंजीनियरिंग, उसमें जो आप प्रोमिनेंट देखेंगे तो वो ड्राइवर्स थे, पर दे वुड टेक यू फॉर ग्रांट, क्योंकि आपको इलेक्ट्रल वोटर स्ट्रेंथ नहीं थी क्या जी ये क्या करेंगे चलने दो। इनफैक्ट आप हैरान हो जाएंगे, मुझे नहीं पता अभी जो डिलिमिटेशन आई, आई विविली रिमेंबर हमारे हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी विच है डोमिनेंट कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन, उन्होंने डिलिमिटेशन में उसके भी ऐसे कर दिया कि उसका वो जो पॉपुलेशन स्ट्राटा था उसको ऐसे डिवाइड कर दिया, कहीं उसको बटवालों के साथ जोड़ दिया कहीं ये, ताकि जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उनकी वोटिंग की उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। दैट वॉज अ काइंड ऑफ बायस इवन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल participating in the elections. जी सर, जिस तरह से अब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रही है, जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, कई बार इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुए, बातें भी हुई, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी उसको उसके ऊपर बड़े सारे सवालिए चिन्ह भी उठाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीरी समुदाय समाज आज भी उनका ये मानना है कि हमें वोट बैंक के तरीके से आज भी इस्तेमाल किया जाता है चाहे सरकार कोई भी हो। आप नीतू जी आप सही कह रही हैं, बट देखिए डेमोक्रेसी यहाँ पे व्हाट यू कॉल वाज अ मॉबोक्रेसी, डेमोक्रेसी के जो लेजिटिमेट अंडरस्टैंडिंग है वह द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, गवर्नेंस, डिलीवरिंग टू द लास्ट मैन, वो तो रहा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए करप्शन एक इशू रहा है, नॉन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी तो किस सिस्टम, आप अभी देखिए जो रोशनी एक्ट या लैंड स्कैम्स जो अभी यहाँ पे आ रहे हैं, ये क्या था, ये था गवर्नेंस में कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, करप्शन था,
तो उससे क्या हुआ कि यू क्रिएटेड जिसे कहते हैं डिपेंडेंसी सिंड्रोम, पैरासाइट सोसाइटी, यह मेड ए पैरासाइटिकल सोसाइटी, जो अपने पे नहीं विश्वास रखती है, वो कहते हैं जी नहीं, वो हाथ फैला के जी हमें दीजिए, 24 घंटे 70 साल से तो हाथ फैला के ही है, वो आर द ओनली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जिसने हाथ नहीं फैलाया, हाथ से कंट्रीब्यूट किया है। ये मुझे लगता है कि दिस हैज टू बी ब्रॉट हाईलाइटेड, जहाँ भी अक्रॉस भी जाइए, क्या इंडिया में क्या बाहर जाइए, एजुकेशन और इंटेलिजेंस से दे हैव बीन एबल टू कंट्रीब्यूट, वे हैव नेवर बीन अ काइंड ऑफ अ पैरासाइट ऑन द सोसाइटी, वे हैव नेवर आस्क्ड, वे हैव कंट्रीब्यूटेड। ये मुझे लगता है उसको उस संदर्भ में देखना पड़ेगा आपको, वो शायद उसकी वजह से उन्होंने कहा जी चलो उनका, दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ पॉलिटिकल पावर। मुझे लगता है दिस इज अ हाई टाइम, आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट माई जो हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, जो एलिजिबल वोटर है, आगे आके अपना हाथ मांगे। देखिए तभी आप हाथ मांगेंगे जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाहर से फेंस डर होके कहेंगे जी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो तो कभी सॉल्व नहीं होती है। आप देखिए सोसाइटी रिवॉल्यूशन, जब आप आगे आएंगे पार्टिसिपेट करेंगे, हो सकता है एक दफा डिसअपॉइंटमेंट, पर अपनी प्रेजेंस तो फेल्ट कराइए। व्हाट आई वुड सजेस्ट दैट दे मस्ट पार्टिसिपेट एंड मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट। सर मैनिफेस्टोस जारी किए गए और आज के मैनिफेस्टो, मेन मैनिफेस्टो की बात की जाए जो इस समय भाजपा की तरफ से मैनिफेस्टो दिया गया है जम्मू कश्मीर के लिए, जो सबसे बड़ी पार्टी जो है भारत में मानी जाती है, उनमें भी एक पॉइंट ऐड किया गया है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो जो कश्मीरी विस्थापित लोग हैं उनकी घर वापसी होगी। आपको क्या लगता है ये मैनिफेस्टो सिर्फ बातें हैं क्योंकि इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, या इस पर सरकार जो है काम भी करेगी? आप मुझे बताइए 35 साल में कम ही किसने ने कहा कि घर वापसी नहीं करेंगे, वो तो 35 साल से चल रहा है। अब यू हैव टू सी इट ऑन द ग्राउंड क्या होता है। आई होप कि जो नई गवर्नमेंट बनेगी दे विल एक्चुअली इंप्लीमेंट ये जो कह रहे हैं घर वापसी, नहीं तो 35 साल से तो यही सो रहे हैं। ये पहले जब विस्थापन हुआ तो कहा जो बस 4-6 महीने की बात है, आप तो वापस जाएंगे, तो वो तो तब से तो मैगनी प्रॉब्लम, जमीनें बिक गई, मकान डिस्ट्रेस सेल्स हो गई, लैंड की, मकानों की, तो इस नई इन दिस रियल यू नो यू हैव टू बी रियलिस्टिक टू अंडरस्टैंड, अगर वापसी है तो वापसी कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, कैसे होगी। आई थिंक इट इज अ लार्जर चैलेंज रादर देन ओनली अ पॉलिटिकल स्लोगन, नहीं जी वापस कर देंगे, अभी वापस जाएंगे कहाँ पे, वो 90% ऑफ द हाउसेज हैव बीन ऑलरेडी सोल्ड आउट, लैंड इक्का दुक्का के होगी, बाकी कहाँ किसके पास है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ, सो वी नीड टू हैव अ ब्लूप्रिंट, चलिए एकदम ना हो, फेज वाइज हो, पहले फेज में तो कम से कम ये जो 3000 जॉब्स हैं उनका तो कंप्लीट करिए ना, इतने 10-15 साल से तो वैसे अटका हुआ, ये मनमोहन सिंह के टाइम में आई थिंक आया था पीएम पैकेज आया था, तब से आप देख खुद देख लीजिए, ये डाइसो एलजी साहब ने कहा जी वो हम वे आर ऑन द फास्ट ट्रैक टू कंप्लीट इट, बट इट इज टेकन नियरली 2 decades टू कंप्लीट इट, सो अनलेस यू डोंट गिव इट अ टाइमलाइन, तो तब तक तो आई वुड बी कन्विंस्ड कि ये जो है घर वापसी है, रिहैबिलिटेशन है, ये है, इट वुड बियर सम टेंजिबल फ्रूट्स ऑन द ग्राउंड। सर क्यों आप ऐसा लगता है, क्यों आप इसके ऊपर क्या अपना मार्गदर्शन रखेंगे कि कश्मीरी समुदाय जो है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती? मुझे लगता है इट्स प्योरली बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, उन्होंने कहा जी क्या फर्क पड़ता है ये, तो जबकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये दे हैव बीन, आई थिंक दे शेप द हिस्ट्री एंड डेस्टिनी ऑफ दिस स्टेट, नॉट ओनली ऑफ दिस, रीड इट फ्रॉम लास्ट 500 years, they have the main architect to bring the literature, history, what you call this spirituality, religion, they have the one who have been made, aap panani ki baat kariye, aap iski kariye kya naam apne famous jo hamara ye history kar raha hai, you know abhi I still forget his name, but the point is they have made a significant contribution to the सोसाइटल एनरिचमेंट, सोसाइटल अपवर्ड मूवमेंट, उसमें आपको मैं आपको कहूँ कि ये हजारों साल से कश्मीर का एक लास्ट में आपको कहूँगा जो अक्रॉस द वर्ल्ड कहा जाता है, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाइए वहाँ कहते हैं नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पूर्ववासिनी विद्या ज्ञान मध्य में, मतलब गिव मी द गिफ्ट ऑफ द नॉलेज,
तुम नित प्रार्थे आई प्रे टू यू गिव मी द नॉलेज कश्मीर हैज बीन शारदा पीठ हैज बीन अ नॉलेज अपार्ट फ्रॉम नालंदा तक्षशिला a seat of knowledge and nobody would be called as a knowledgeable person unless he would not pass the test of Sharda Peeth. Let's recreate that. Let's create, because knowledge drives the world today. Let's recreate that enabling environment to create institutions of knowledge creation. Gee. That would be, I think, very significant. And let the government put into it. सर आखिरी सवाल आपसे रहेगा, भाजपा सरकार जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जो बड़े बड़े वादे किए थे उसको करके भी दिखाया है, चाहे वादे हो डेवलपमेंट के, चाहे बात हो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने की, बड़े बड़े वादे जो हैं उनके जमीनी स्तर पर देखने को भी नजर आए हैं, और जिस तरह से मैनिफेस्टो में बात की गई है कश्मीरी समुदायों की घर वापसी की, तो क्या लगता है ये वादा पूरा कर पाएगी भाजपा सरकार? आई वुड रेस्ट्रिक्टेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी बट आई वुड से व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग एज अ नेशनल एजेंडा अक्रॉस the country. I think they'll take it on the board. नहीं तो आप क्या कहते हैं, ये जो आज से चार घंटे में आप कश्मीर पहुंच जाते हैं, ये टनल्स 18 टनलें बनी हैं, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है, जोजिला इज गोइंग टू गेट कम्प्लीटेड, रेलवे ट्रैक आएगा कन्या, ये दीज आर द मेगा प्रोजेक्ट्स. नेचुरली इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. आज आप घूमिए, आप 11 बजे रात को भी कश्मीर में घूम सकते हैं, 11:30 बजे रात को भी घूम सकते हैं, जो शायद पहले तो वो जैसे उन्होंने पीछे अच्छा कहा कि जी वो मैं YouTube में देख रहा तो कश्मीरी था, उसने कहा जी nobody would pick up a Indian flag here. बट आज तो ऐसी बात, हालात बदल रहे हैं, हालात से सोच बदलेगी तो मुझे लगता है इट विल मूव इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. थैंक यू सर ग्रेटर जम्मू से बातचीत करने के लिए, धन्यवाद. माई प्लेजर. तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अशोक एमा जी, जो जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं. जब बातचीत की तो इनसे मैं एक कहावत कहूँगी, एक नहीं दो कहावत कहूँगी, उम्मीद पर दुनिया कायम है और बदलाव प्रकृति का नियम है. इन दोनों बातों को एक साथ कहने के पीछे मंशा ये है कि उम्मीद आज भी है कि घर वापसी होगी, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में बदलाव देखने को नजर आ रहा है, तो उम्मीद कहीं ना कहीं कायम है और ये बदलाव भी लेकर आएगी. अब आने वाले समय में जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टी इस समय वादे कर रही हैं घर वापसी के, ये तो तय करेगा समय कि क्या घर में असल में वापसी हो पाएगी या नहीं. आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते एक और हस्ती के साथ आपके सामने रूबरू होंगी. कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद.